गुड मॉर्निंग. टुडे वी विल स्टडी. टेक द करेक्ट आंसर. राइट द वर्ड इन द ब्लैंक्स. मतलब सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं और उसे खाली स्थान पर लिखें. यहाँ कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है. इन दोनों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है उसमें हम लोगों को सही का चिन्ह लगाना है. और यहाँ खाली जगह दिया हुआ है. यहाँ जो सही आंसर है उसको यहाँ आप लोग को लिखना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है. जैसे क्वेश्चन नंबर ए में है, बॉल इज डैश इन शेप. तो बॉल मतलब गेंद का आकार कैसा होता है. यहाँ दो ऑप्शन है, सर्कल और स्क्वायर. तो बॉल का आकार गोल होता है, सर्कल होता है. तो हम लोग यहाँ सर्कल में सही का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ सर्कल लिखेंगे. वैसे बी में है, एप्पल इज डैश इन कलर. एप्पल मतलब सेब. तो सेब का रंग कैसा होता है. यहाँ दो ऑप्शन है, ब्लू और रेड. तो रेड लाल रंग का होता है. हम लोग रेड में सही का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ रेड लिखेंगे. अभी सेंटेंस कंप्लीट हो गया, एप्पल इज रेड इन कलर. थर्ड में है, आई एम डैश बॉय और गर्ल. आप कैसे बच्चे हो, कैसे लड़का या लड़की हो. गुड या बैड. तो आप अच्छे हो, गुड हो. तो यहाँ गुड में सही का चिन्ह लगाना है. यहाँ गुड लिखेंगे और सेंटेंस कंप्लीट करेंगे. आई एम गुड बॉय या आई एम गुड गर्ल. मैं अच्छा लड़का हूँ या मैं अच्छी लड़की हूँ. डी में है, डैश इज द किंग ऑफ डेजर्ट. रेगिस्तान का राजा कौन है. तो यहाँ दो ऑप्शन है, कैमल और डॉग. कैमल मतलब ऊँट, डॉग मतलब कुत्ता. तो रेगिस्तान का राजा कौन होता है, कैमल. तो हम लोग कैमल में सही का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ कैमल लिखेंगे. कैमल इज द किंग ऑफ द डेजर्ट. ई में, डैश हैज़ अ लॉन्ग नेक. किसकी गर्दन लंबी होती है, जेब्रा या जिराफ. तो जिराफ की. हम लोग जिराफ में सही का चिन्ह लगाएंगे. यहाँ जिराफ लिखेंगे और सेंटेंस कंप्लीट करेंगे. जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक. मतलब जिराफ की गर्दन लंबी होती है. अब आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना है और इसे याद करना है.